Hello everyone, I am here with the first chapter of class 6 political science and the name of the chapter is understanding diversity. Yahan pe main class 6 ke political science ke chapter 1st understanding diversity ke saath aapke samne hoon. So let's start the topic. From nature mankind inherits a variety of things. नेचर ने यानी प्रकृति ने मनुष्य को विरासत में बहुत सी सारी चीज़ें दी हैं. दीज इंक्लूड प्लांट, जिनमें कि प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, रिलीजन है, रेस, कल्चर एंड कलर. रेस का मीन्स होता है कुल, वंश या जाति. डाइवर्सिटी, द डिफरेंसेस इन रेस, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा इज नोन एज डाइवर्सिटी. मीन्स जाति, धर्म, कास्ट, इन सब चीज़ों में जो डिफरेंसेस होते हैं या जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं को डाइवर्सिटी के नाम से, उसी को डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. सोशल ग्रुप्स, सो ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन. सोशल ग्रुप में हम ये देखते हैं, जो सामाजिक ग्रुप है इसके अंतर्गत, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी ज़रूरतों को खुद से कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं कर सकते. दे डिपेंड ऑन अदर सोशल ग्रुप्स टू फुलफ़िल दीज नीड्स. और इन नीड्स को कम्प्लीट करने के लिए या फुलफ़िल करने के लिए उन्हें दूसरे सोशल ग्रुप्स पे डिपेंड होना पड़ता है. और ये सोशल ग्रुप हैं क्या? द वेरियस ग्रुप आर फैमिली. और उन सोशल ग्रुप में आते हैं फैमिली, कम्युनिटी यानी समुदाय, नेशन यानी राष्ट्र एंड यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड. कैन फ्रेंड्स बी डिफरेंट, क्या फ्रेंड भी डिफरेंट होते हैं या हो सकते हैं? नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड. अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को एक दूसरे का दोस्त या मित्र बनने से कोई भी चीज़ उनको नहीं रोक सकती. राइट टू एजुकेशन RTE has made provision for poor family children to study in public school. This reduced diversity. और उसके साथ ही साथ RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी सुविधाएं दी हैं कि पुअर फैमिली के बच्चे भी पब्लिक स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं. और जिससे कि दिस रिड्यूस डाइवर्सिटी, जिससे कि डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता या विविधता को कम किया जा सकता है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कैसे डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेन इनिशियली लेड अ नोमैडिक लाइफ. अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग को देखें, तो जो शुरुआत में जो मनुष्य था यानी कि इनिशियल मेन जो था वो नोमैडिक लाइफ जीता था. इन लेटर स्टेजेस बाद में आने वाले समय में मेन बिकेम टू कोऑपरेट एंड इंटरमिंगल्ड विथ ईच अदर. जो मनुष्य था वो एक दूसरे से उसने सहयोग स्थापित करना शुरू कर दिया और उसके साथ ही साथ इंटरमिंगल्ड यानी एक साथ मिल करके वो काम करने लगा. इट लेड टू इमरजेंस ऑफ डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी का उदय हुआ. डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस यानी कि विविधता और एक दूसरे पर निर्भरता. विद इन अ सोशल ग्रुप, हर सोशल ग्रुप में डाइवर्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड. अलग अलग प्रकार की कार्यकलाप या क्रियाएँ की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स, जो कि उनके अपने स्किल्स यानी उनकी कुशलता पे निर्भर करता है. उनके इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि के अकॉर्डिंग वो अपने काम करते हैं और एजुकेशन यानी शिक्षा के अकॉर्डिंग. टू फुलफिल वंस नीड पीपल डिपेंड्स ऑन अदर्स, और अपनी नीड को पूरा करने के लिए जो पीपल है वो दूसरे पे भी आधारित रहता है या आश्रित रहता है. विद द ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डाइवर्स एरियाज हैड गॉट अ बूस्ट. तो इंटरडिपेंडेंस यानी कि जो एक आश्रिता का, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने का जो कॉन्सेप्ट था बिटवीन डाइवर्स एरिया, मतलब विभिन्न एरियाज में, वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया. बूस्ट मतलब बढ़ता चला गया. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ अ लैंड. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीन्स होता है विविधता में एकता. इंडिया इज़ अ लैंड वेयर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी गो हैंड इन हैंड. इंडिया एक ऐसा जगह है या एक ऐसी भूमि है जहाँ पे एकता और विविधता दोनों एक साथ चलते हैं. इंडियंस ज्वाइन हैंड्स अगेंस्ट फिरंगी साहिब टू लिबरेट द कंट्री. इंडियंस ने एक दूसरे से अपने हाथों को मिलाया और अपने देश को आज़ाद करने के लिए, लिबरेट करने के लिए उन्होंने फिरंगियों के सामने उसको इस्तेमाल किया.
पंडित नेहरू इन हिज बुक, अपनी बुक में पंडित नेहरू कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू की बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रोट दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइडर. उन्होंने ये लिखा है कि इंडियन की जो यूनिटी है यानी भारतीय एकता जो है वो किसी दूसरे ने बाहर से लाके इस पे थोपा नहीं है, बाय रैदर इट इज़ समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, बल्कि ये इसकी अपनी खुद की परतों में कहीं बहुत ज़्यादा गहराई तक समाया हुआ है. लद्दाख एंड केरला, तो अब चूँकि हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो लद्दाख और केरला का नाम लिया गया है तो ये अलग अलग रीज़न के, इंडिया के अलग अलग रीज़न को शो करता है और उसमें वो दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है. लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जम्मू, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, वेयर शिप इज़ डोमेस्टिकेटेड एंड बुद्धिज़्म इज़ द मेन रीज़न, जहाँ पे कि शिप का को पाला जाता है, शिप को, और उसके साथ ही साथ यहाँ का मेन रीज़न जो है, रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है. सेकेंड हैंड, केरला इज़ साउथ इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस स्टेट. केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं एंड इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड फिश, और केरला अपने मसालों और फिश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है. सो इस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इंडिया में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है, अलग अलग हमारे जो रीज़न है, हमारे जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भी और उस हर रीज़न में अलग अलग रिलीजन के लोगों के रहने के बावजूद भी वहाँ के लोग एक साथ मिल करके इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं और एक साथ मिल करके अपने काम को करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में कोई अकेला पर्सन कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड होके काम करना है और वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे वो आश्रित है. ओके, थैंक यू.